अगर आपसे मतलब आगे और कितना परफॉर्मेंस दे पाएंगे और सीजन टू कहाँ तक प्रतिभागियों के लिए बेस्ट होगा? लाइट 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 कम किया। देखिए पिछले सीजन में क्या हुआ उसकी उसके बारे में ये सब मेरे लिए भी उतनी खबरें जितनी शायद आपके पास। मुझे लगता है कि आज हम जिस शो की बातें कर रहे हैं उम्मीद ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ एक अनाउंसमेंट होगी। मुझे लगता है कि हम हमेशा कहते हैं कि देश में टैलेंट बहुत है और शायद वो हम तक पहुंचता देर में है या उसका उसको जरिया नहीं मिलता। तो उम्मीद ये है कि इस शो की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे जो हमें देखने को मिलेंगी, शायद हम उससे कुछ सीखेंगे। उसका करियर कैसा बनेगा क्या बनेगा ये तो मेरे ख्याल से वक्त ही बताएगा। वो माइक लेके बीच में अटल है या नवीन आपके सामने लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट नवीन, इस शो का असल मोटिव क्या है? किस किस्म के कलाकारों को एक मुकम्मल मंच प्रदान करना है? और इसके बाद सवाल होगा विजय कृष्ण से। विक्टर, आपने क्या महसूस किया है कि जितना टैलेंट है उतना कंज्यूम करने की कैपेसिटी है इंडस्ट्री में या फिर डिमांड एंड सप्लाई का मतलब एकदम उसकी खाई बहुत ज्यादा गहरी है? आपका जो ये सवाल को पुट अप करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूं कि देखिए इस किस्म का टैलेंट ये डिफाइनेबल टैलेंट नहीं। कोई गाना गाता है तो आप बोल सकते हैं यार ये अच्छा गाना गाता है, ये अच्छा गाना नहीं गाता। एक्टिंग एक ऐसी चीज है, ये रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, ये आपके अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि टैलेंट की तो हमेशा कमी होगी। टैलेंट हमेशा आदमी ढूंढता है कि अरे कोई अच्छा एक्टर मिले, कोई अच्छा कैरेक्टर मिले। आप जिस तरह की हम नई फिल्में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि टैलेंट अच्छा होगा तो उसको खोने में तकलीफ नहीं आएगी। कितना वक्त लगेगा वो कितनी क्योंकि ये मैथ इसकी एक गणित बनाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है किस तरह की चीजें जब तक ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा सफल ना हो और दुनिया के सामने एक अच्छे रूप में ना आए तब तक हम इस सवाल का कोई कॉन्क्रीट जवाब देना आज मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी जिसके पास टैलेंट है और जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएगा उम्मीद है कि हम उसको पहचान पाएंगे और उम्मीद यह है कि उसको फिल्मों में टेलीविजन में कहीं ना कहीं एक स्टार जो आप ढूंढ रहे हैं। आप स्टार एक्टर भी होता है और स्टार्स वो भी होते हैं जिनको देखने के लिए आप पहले दिन टिकट खरीद के फिल्मों में जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड ट्राई एंड फाइंड अ गुड टैलेंट पूल ऑफ एक्टर्स एंड होपफुली दे विल फाइंड देयर प्लेस। अगर मैं हाइपोथेटिकली पूछूं कि मतलब धूम 3 फैंस है, आई थिंक धूम विल ऑलवेज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन धूम विल ऑलवेज रिक्वायर एन एक्टर ऑफ अ सर्टेन स्टैंडिंग। आई थिंक इवन इन धूम 2 आई थिंक ऋतिक अभिषेक आई थिंक दे आर वेरी वेरी फाइन एक्टर्स। लेकिन जब भी हम इस किस्म की फिल्म की बात करते हैं कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल आई थिंक आर थिंग्स व्हिच आल्सो चेंज विद टाइम। Hopefully by the time the next boom comes, maybe it will be very unconventional. Adios, Namit. Yeah. What is